उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 में बाला साहब ठाकरे की क्रीड़ा संकुल पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सवाल उठाए हैं। हाल ही में पालक मंत्री द्वारा नवीनीकरण के बाद इसका उद्घाटन किया गया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख ने कहा कि क्रीड़ा संकुल का उपयोग शहर के गरीब तबके के लोग भी कर पाए, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए प्रशासन से पत्र व्यवहार किया गया है। जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे क्रीड़ा संकुल है, जिसको हम लोग पहले VTC मैदान बोलते थे, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उसके पुनर्निर्माण में बहुत सारी चीजें बाधित होने वाली है। वो बाधित होने के बाद में आज जो मैदान है, जिस मैदान पे बच्चे खेल रहे हैं, उस मैदान का कुछ हिस्सा, मतलब 50% के ऊपर का जो हिस्सा है, वो कंस्ट्रक्शन में जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमारे बच्चे कबड्डी, क्रिकेट, खो खो कहाँ खेलेंगे? अगर आप हर मैदान का पुनर्निर्माण करके उसको पैक कर दोगे, और उल्लासनगर महानगर पालिका, वो उल्लासनगर महापालिका के सत्ताधारी जो है, कोई भी चीज बनाने के बाद वो चीज ठेकेदार को कैसी दी जाएगी, इसमें माहिर है। जिस तरह से हमारा स्विमिंग पूल था, वो स्विमिंग पूल ठेकेदार को दिया गया, और उसके पहले हमको बताया गया था कि ये गरीब बच्चों के लिए खुला रहेगा, मगर आज उस स्विमिंग पूल के अंदर गरीब बच्चे नहीं जा सकते। उसका मिनिमम चार्जेस 100 से 150 रुपए है, और कोई भी बच्चा ये पे नहीं कर पाएगा। उसी तरह स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे क्रीड़ा संकुल का पुनर्निर्माण होने के बाद ये क्रीड़ा संकुल शहर के गरीब बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, ये पूरी तरह फ्री हो रहेगा, ऐसा महानगर पालिका ने घोषित करना चाहिए, तभी हम इसका काम होने देंगे, अदरवाइज हम लोग इस काम को मना रोकेंगे।